ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, आज का जो इस वीडियो में मतलब कि हमने तीन स्टेप में आप सभी को सीबी फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइस, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ओके सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप सभी को करना है क्या है, पहले आप सभी को अपनी फोटो को सिंपली ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जाना है आप सभी को इस एफएक्स वाले ऑप्शन में। एंड गाइस, आप सभी को इसमें ये आर्टिस्टिक वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसमें जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में जो थर्ड ऑप्शन है, लास्ट से थर्ड ऑप्शन, आप सभी को उसमें जाना है, ठीक है। उसमें जाने के बाद आप सभी को एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड उसके बाद अगेन आप सभी को उस पर क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके क्लिक कर देना है। एंड जिसका इसका फीड है, आप सभी को उसको गाइस कम कर देना है, ठीक है। क्योंकि गाइस क्या होगा कि जैसे कि आप फीड आगे की तरफ करोगे ना, तो गाइस ये मतलब कि कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप पीछे की तरफ करना। एंड उसके बाद आप सबको जाना है इरेजर टूल में। एंड जो जितना भी मतलब कि ओनली इरेजर टूल में जाके ओनली फेस का आपको इरेज करना है, ठीक है। और कहीं का मत इरेज करना, बाकी ओनली बस फेस ही फेस का करना इरेज। तो मैं पे थोड़ा हार्डनेस को फुल करके यहाँ पे इरेज करता हूँ। तो आप सभी को इतना इरेज कर लेने के बाद आप सभी को आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप है जो आप सभी को उसमें करना है कि आप सभी को मैं बताता हूँ। तो पहले आप आपको अच्छे से इरेज कर लेना है पहले पूरा फेस वगैरह का, है ना। और फेस पे ही करना है और कहीं का नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी को इतना कर देते हैं। तो मैं थोड़ा आप वीडियो को फास्ट कर देता हूँ गाइस आप सभी के लिए। तो गाइस, यहाँ पे जब हमने इतना कर लिया, तो गाइस आपको ना इसकी थोड़ा सा अमाउंट को ना यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के रख लेना है। अराउंड 50 तक आप इसको रख लेना इसका अमाउंट, ठीक है। तो आपको इसका 50 तक रख लेना है, तो क्योंकि यार इसमें 50 में बेस्ट रहेगा। तो मैंने देखा भी, आप सभी को मैं बता देता हूँ, 50 में रख देना आप सभी को, ठीक है। एंड इसका कर देना डन, ठीक है। तो उसके बाद जो आएगा सेकंड स्टेप क्या आप सभी का, आप सभी को अब इसमें फेस में थोड़ा सा मतलब कि लाइटिंग डालनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे, फिर एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस जाएंगे मैं सैचुरेशन वाले ऑप्शन में, इसकी सैचुरेशन को कम कर देंगे। एंड जो ब्राइटनेस है इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को रिसेट टूल में जाना है, एंड इन्वर्ट कर देना है। एंड जो उसके बाद जाना ब्रश में, ब्रश में जाने के बाद आप सभी को सिंपली फोटो को जूम करना है, ठीक है। एंड फोटो को जूम कर देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से आपको फेस के ऊपर अपने इस तरीके से पेंट करना है, ओके। इतना पेंट कर देने के बाद आप सभी को जो लास्ट स्टेप है उसमें करना है कि आप सभी को मैं बताता हूँ लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो उसको और देख लेना गाइस, फिर हम के भी जो है मतलब कि आप आपको पूरा रिजल्ट दिख जाएगा। तो अभी जो है सेकंड स्टेप चल रहा है हमारा, तो इसको हम पहले अच्छे से यहाँ पे फेस को हम पूरा मतलब कि गोरा कर लेते अच्छे से। बाकी यार अगर आपको अपने फेस पे और ज़्यादा ब्राइट चाहिए हो, तो आप लास्ट में मतलब कि जो ये फेस पे जब आप पेंट कर लोगे, तो उसके बाद एक्सपोजर को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और बाकी हम उसमें लाइट रूम में तो कर ही लेंगे, तो बाकी हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम करते हैं डन, ठीक है। तो इतना हमारे लिए बहुत है अभी। तो अब यहाँ से जो लास्ट स्टेप है उसमें वो है लाइट रूम ऐप में करेंगे। तो यहाँ से हम फोटो सेव कर लेते हैं एंड यहाँ चलते हैं बैक। तो गाइस, जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया होता, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं इस वीडियो में, इस चैनल में। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी फोटो के ऊपर एक बार क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देंगे। एंड उसके बाद आप सबको करना क्या है, आप सबको यहाँ पे गाइस ये जो ये गैलरी सा मतलब कि गैलरी जैसी आइकन दिख रहा है यहाँ पे, आपको उस पर क्लिक कर देना ऑटो वाले पे। एंड ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा लाइटिंग वाइटिंग जो भी देखिए, है ना। एंड उसके बाद जाएंगे हम कलर्स में। एंड इसका जो है वो वाइब्रेशन इसको हम बढ़ा देंगे, एंड थोड़ा सेचुरेशन को भी बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम ऐसे मिक्स में, ठीक है। मिक्स में जाने के बाद आप सबको जाना ऑरेंज कलर में, एंड इसके सेचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। सेचुरेशन को माइनस कर देना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। इतना कर देने के बाद आप सबको करना क्या है, आप सबको इसके बाद जाना है ग्रीन कलर में। एंड इसका जो ह्यू है आपको उसको माइनस कर देना है, बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है। एंड जो सैचुरेशन है इसको भी आपको हल्का सा प्लस में रखना है, ठीक है, अराउंड 50 तक प्लस में रखना है। एंड उसका जाना है येलो कलर में। एंड इसका जो ह्यू है आपको उसको माइनस कर देना है, तो क्योंकि यार येलो कलर है जो डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो सैचुरेशन को भी आपको प्लस में कर देना है। एंड उसका जाना है ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में। एंड इसको आपकी जो शर्ट का कलर है इसका, हम इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू करना है, ठीक है, सॉरी स्काई ब्लू करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको छेड़ देंगे ब्लू कलर को। एंड उसके बाद जो कुछ बाकी कलर्स बचे हैं हमारे, तो मैं क्या करना हूँ इन कलर्स में आप सभी को, पहले मैं इस वाले कलर्स को भी एक बार ही मतलब कि जो ये जितने कलर्स हैं बाकी के आगे के दो, इनको आपके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, क्योंकि इनका कोई काम है नहीं, तो हम इसको सैचुरेशन माइनस रखेंगे। एंड जाएंगे रेड कलर में, एंड इसके ह्यू को जो माइनस में कर देंगे, सैचुरेशन को प्लस में कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से करना है कि आप सभी को कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है नीचे वाले टूल में। एंड जो फोटो की क्लियरिटी आप सभी को उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो फोटो में विग्नेट है उसमें विग्नेट डालना है आपको हल्का सा, ठीक है, मतलब कि हल्का सा जो भी है, मतलब कि आपको इतना जितना मैंने डाल रखा है इतना डाल देना है, अराउंड 30 तक। एंड उसके बाद आप सबको ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको जाना नीचे वाले टूल में। एंड उसके बाद फोटो जो शार्पनेस आप इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो नो डायरेक्शन आपको उसको ही बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो कलर नो डायरेक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है।
एंड उसके बाद देखिए गाइज हमारी जो फोटो यहाँ पे परफेक्टली एडिट हो चुकी है, बिल्कुल सी भी फोटो एडिटिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फोटो को बिल्कुल सेव कर लेते हैं आराम से, ठीक है। एंड पहले देख लेगा बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। एंड ऐसा हम थ्री डॉट पर क्लिक करें फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइस आई होप कि यार आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सुबह से किसी और नई वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।